बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जो कि हमारे पास है, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड अ डार्क रिएक्शन। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इसके टू फेसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली नहीं होती। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको कैल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन और उनके कोलीग्स ने इसको एक्सप्लोर किया था फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इस वजह से इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये साइकिल जो है कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। तो पहले इसके थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैल्विन साइकिल डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, ठीक है, इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूजेस NADPH एंड ATP ऑफ द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो NADPH और ATP लाइट रिएक्शन में बन जाते हैं वो कैल्विन साइकिल में यूज होते हैं। इट टेक प्लेस एट द डे टाइम यूजुअली बट कैन अकर एट नाइट टाइम, यानी रात के वक्त भी हो सकता है लेकिन ये दिन के वक्त होता है। रात के वक्त इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें लाइट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर NADPH और ATP अवेलेबल हो तो ये रात को हो सकता है, अदरवाइज वैसे ये यूजुअली डे टाइम ही होता है। NADPH जो यहाँ पे मौजूद होता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू G3P दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड इसको कहा जाता है, विच लेटर ऑन कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन साइकिल या C3 मेटाबॉलिक पाथवे की बेस पर हमारे पास टू टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पिछले साल आया था कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है। तो यूजुअली आपको 3 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंसेस मस्ट देने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंसेस यहाँ पे ऐड किए हैं। सो C3 प्लांट्स जो है ये वो पौधे होते हैं जिनमें सिर्फ कैल्विन साइकिल होता है, जबकि C4 प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिनमें कैल्विन साइकिल के साथ साथ एक और साइकिल हेज स्लैग साइकिल भी होता है। हेज स्लैग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था उसकी बेस पर इसको नाम दिया गया है। अब जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जो कैल्विन साइकिल होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट इन द कैल्विन साइकिल इज 3 कार्बन कंपाउंड विच इज G3P यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं और उन पौधों को जिनमें ये साइकिल होता है उनको C3 प्लांट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट हेज स्लैग साइकिल का बनता है वो ऑक्सिलो एसिटेट होता है। ऑक्सिलो एसिटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से उसको C4 साइकिल भी कहते हैं और उन पौधों को जिनमें ये साइकिल होता है उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो एक्सेप्टर होता है साइकिल में बिल्कुल स्टार्ट पे जिसको एक्सेप्ट करता है राइबुलोज बायोफॉस्फेट होता है, जबकि दूसरी तरफ C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फिनोल पाइरुवेट होता है। सो आपको यहाँ पे डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। So student, now we are going to discuss these 3 major steps of Kalman cycle. As Kalman cycle is a continuous process but for the convenience it is divided into 3 major steps. The first step is carbon fixation, second is reduction and third is regeneration of carbon dioxide receptor. So let's define the first one, carbon fixation. In the process of carbon fixation, the ribulose biphosphate, which is the 5 carbon sugar combined with the carbon dioxide molecule. So 3 molecules of carbon dioxide are as the input of the cycle, they combine with 3 molecules of ribulose biphosphate. The ribulose biphosphate is also called carbon dioxide acceptor because it receive or it accept the carbon dioxide. And when the 3 carbon dioxide molecules combine with the 3 ribulose biphosphate, as a result, the 3 molecules of 6 carbon compounds are formed. This reaction takes place in the presence of enzyme which is called Robesco, that is ribulose biphosphate carboxylase oxygenase enzyme. This enzyme carried out this reaction and as a result the 6 carbon compound is formed. 6 carbon compound, how many molecules of this compound is formed? Basically 3 molecules of 6 carbon compounds are formed. Now the 6 carbon compound is very unstable and immediately broken down into 6 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde, which is 3 carbon compound.
That's why that is also called PGA, that is phosphoglyceraldehyde or G3P glyceraldehyde 3-phosphate. Now look at this one. I explain it very easily that one carbon dioxide react with one carbon dioxide combined with one ribulose biphosphate, then one molecule of 6 carbon compound is formed. Then other carbon dioxide react with this 6 carbon compound is another formed. Then third carbon dioxide react with this, then 6 carbon compound. So totally 3 carbon dioxide molecules react with 3 ribulose biphosphates, and as a result 3 molecules of 6 carbon compound are formed. Now as I have told you that this 6 carbon compound is very much unstable and immediately broken down into 6 molecules of 3 carbon compound. So how each of the 6 carbon compound is broken down into 3 carbon compounds? Look at this, 6 carbon is then divided into 3 carbon and 3 carbon, then again 3 carbon, and so you can count it 1, 2, 3, 4, 5, 6. So totally there are 6 molecules of 3 carbon compounds are formed. And the 3 carbon compound in this case is called phosphoglyceraldehyde, or also called G3P glyceraldehyde 3-phosphate. Now if you can see that the carbon dioxide becomes the, which is inorganic carbon dioxide, it becomes the part of organic compound which is ribulose biphosphate. So this is called carbon fixation. Okay? As the first stable compound in this cycle is the 3 carbon compound G3P, which is glyceraldehyde 3-phosphate, that's why this cycle is also called a C3 cycle. Hope so, aapko first jo step hai iska wo samajh aa gaya hoga. So dear student, now we are going to discuss the second phase of the carbon cycle, that is reduction phase. In this phase, the 6 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde react with 6 ATP molecules, and from each of the ATP molecules, the phosphate group is transferred to each of PGA, each of the 3 PGA molecule. Okay? So as a result, the 6 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde are converted to 6 molecules of 1,3-biphosphoglycerate. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये शो किया हुआ, ये कार्बन शो हो रहे हैं, ठीक है? तो ये कार्बन जो है इसमें आपको नजर आ रहा है 3 कार्बन कंपाउंड के साथ सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, यानी कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, इसलिए ये 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड कहला रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पर भी फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3-बायफास्फोग्लाइसरेट। अब जैसे 1,3-बायफास्फोग्लाइसरेट बन जाता है, दिस 1,3-बायफास्फोग्लाइसरेट अंडर गो द रिडक्शन प्रोसेस, एंड दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड आर रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन ऑफ एनएडीपीएच पॉजिटिव। सो जैसे ही ये एनएडीपीएच पॉजिटिव के हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करते हैं, इन दिस प्रोसेस दी 6 फॉस्फेट्स आर अगेन रिमूव्ड आउट फ्रॉम दीज कंपाउंड। एज अ रिजल्ट the 1,3-biphosphoglycerate is converted to glyceraldehyde 3-phosphate. So total 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphates are formed. ठीक है? अब जैसे ही glyceraldehyde 3-phosphate के 6 molecules बन जाते हैं, तो ये total 6 molecules में से 5 जो है वो आगे जाके ribulose biphosphate को दोबारा बनाने में साइकिल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन 1G3P यानी एक glyceraldehyde 3-phosphate molecule साइकिल से बाहर निकल जाता है और लेटर ऑन वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, लेकिन जब ये दो मिलेंगे तो तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द कार्बन साइकिल जो कि कम्प्लीट हो गया है। So dear student, the next last of the step of the carbon cycle is the regeneration of the carbon dioxide acceptor. Carbon dioxide acceptor is basically the ribulose biphosphate. So in this video, we will explain that how ribulose biphosphate is formed again. So first of all, the G3P, which is the glyceraldehyde 3-phosphate, which is 3 carbon compound but the number is 5, mean 5 molecules of G3P undergoes the rearrangement of atom in order to produce the 3 molecules of the ribulose phosphate. Now you can see here that each of the G3P is 3 carbon compound, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and totally they are 5 in number.
So total 15 carbon is there. The 15 carbons arrange themselves in such a way that they produce the three molecules of 5 carbon compound. 5 carbon, 5 carbon and 5 carbon. The number of carbon atoms remains the same overall. You can see here that 15 carbons. Here is 15 carbon and again same 15 carbon. But the molecule number is reduces. Like look at this one. 5 molecules of G3P arrange themselves in such a way that they produce 3 molecules of ribulose phosphate. Once the 3 molecules of ribulose phosphates are formed, then what happened? They react with 3 molecules of ATP, and each of the phosphate group from ATP is transferred to the ribulose phosphate molecule. When the ribulose phosphate molecule receives the phosphate group from ATP, it immediately converts it to ribulose biphosphate. So in this way, the three ribulose phosphates are converted to three ribulose biphosphate molecules. This ribulose biphosphate molecule of 5-carbon sugar is basically the carbon dioxide acceptor, carbon dioxide acceptor, and this is again ready for the next cycle. So in the next cycle, it will again combine with another molecules of carbon dioxide, and again the process will be continued in the same way. So hope so you have understood the whole cycle of the carbon cycle. Now you can draw a cycle by yourself if you combine all these reactions together.